हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई नो डैट कि ये वीडियो आफ्टर लॉन्ग टाइम आ रहा है एंड इट हैज़ बीन आई थिंक 3 वीक्स, राइट? बिकॉज मेरे साथ मेरे दोस्त होते थे, लेकिन आज मैं अकेला बना रहा हूँ। नो वन इज़ विद मी, यू कैन सी आई एम अलोन। और टुडे आई केम फॉर मॉर्निंग वॉक। सो गाइज, आज मुझे यहाँ आने के बाद जो एक्सपीरियंस हो रहा है विच इज़ वंडरफुल, आई एम सीरियसली टेलिंग यू गाइज, यहाँ पर आकर जो मुझे वर्ड्स की जो वॉइस सुनाई दे रही है ना, जो मैं काफ़ी टाइम से नहीं सुन पा रहा था। ये देखिए गाइस, कितनी अच्छा व्यू है यहाँ का। आई थिंक गाइस, सभी को मॉर्निंग वॉक पर जाना चाहिए। मैं खुद नहीं जा रहा था, मैं खुद रिकमेंडेड नहीं कर रहा हूँ आपको, क्योंकि पता है कि लाइफ बहुत ज़्यादा बिजी हो चुकी है हम लोगों की। फिर भी हम लोग चाहते हैं कि यार मॉर्निंग वॉक पर जाया जाए, लेकिन मॉर्निंग वॉक पर कोई जाता नहीं है। बट ट्राई करो, क्योंकि यार यहाँ पर आने के बाद अच्छा सा एक्सपीरियंस मिलता है हम लोगों को। और दिस इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क फॉर मी टू मेकिंग वीडियोज़ हेयर, बिकॉज यू नो डैट कि यहाँ पर एक बहुत ही छोटा टाउन है हमारा, और लोग ऐसे देखते हैं कि मैं कर क्या रहा हूँ, राइट? सो एनीवेज, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी से। एंड यू कैन सी डैट कि वो बंदा कैसे रुक कर देख रहा था कि वाट आई एम डूइंग हेयर। दिस इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी गाइज कि ऐसे व्लॉग बनाना, और यहाँ पर ना बहुत ही छोटा टाउन है, तो सब लोग देखते हैं भाई ये बंदा कर क्या रहा। जैसे मैं गुड़गांव में रहता हूँ, तो गुड़गांव में मुझे कभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई, और लेकिन मैंने वहाँ पर व्लॉग बनाए नहीं, लेकिन हाँ वहाँ पर मैंने देखे कि बहुत से बंदे व्लॉग बनाते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि अगर आप ऐसे बना रहे हो तो लोग ऐसे देखने लगते हैं कहीं न्यूज़ रिपोर्टर वाला है क्या, जैसे कि वो बंदा पीछे रुक कर देखने लगा था। यही होता है गाइज। अब मैं यहाँ का आपको पूरा व्यू दिखाऊंगा। और गाइज, यहाँ पर जो हमें वर्ड्स की नेचुरल वॉइस सुनाई देती है, वो सच में मेरे दिल को टच करती है, आई एम सीरियसली टेलिंग यू। बिकॉज यार ऐसी वॉइस मैं दिल्ली में मैंने बिल्कुल भी नहीं सुनी, क्योंकि यार दिल्ली में तो बस ट्रैफिक ही ट्रैफिक है, और इतना पॉल्यूशन है यार क्या बताऊँ मैं। रात में अगर मैं छत पर जाता भी था तो वहाँ पर मैं देखता था कि यार तारे तक नहीं दिखाई देते थे सही से, आई एम सीरियसली टेलिंग यू, इतना पोल्यूशन हो जाता है वहाँ पर। लेकिन वहाँ पर ऐसी वॉइस तो नहीं सुनाई देती थी। पार्क बहुत है, आई नो डैट कि वहाँ पर आप पार्क में जाकर बैठ सकते हो, लेकिन यहाँ पर जो मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ वो मैंने वहाँ पर कभी नहीं किया। आप ये सुन सकते हो वॉइस, इसे बोलते हैं यार नेचुरल वॉइस, और ये हर किसी को सुननी चाहिए। आई थिंक, मैं तो मानता हूँ, मैं बहुत दिन बाद टहलने आया हूँ, मैं ये नहीं रिकमेंडेड करूँगा कि हर कोई टहलने आओ, क्योंकि आई नो डैट कि सबकी लाइफ बिजी है, बट टहलना जरूरी है लाइफ में, और ऐसे एक्सपीरियंस तो जरूर करने चाहिए हम लोगों को। गाइज, अब मैं करता हूँ बैक कैमरे को ओपन अपने, और आपको नेचुरल वॉइस सुनाता हूँ यहाँ की। गाइज, कितना अच्छा व्यू लग रहा है यार यहाँ। गाइज, हम लोग कहीं भी चले जाएं इस दुनिया में, लेकिन अच्छा तो हमें अपने शहर में आकर, अपने टाउन में, अपने घर में आकर ही लगता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यार इतना अच्छा, मतलब कि नेचुरल वॉइस, नेचुरल ब्यूटी। देखिए गाइस, ये दिस इज़ कॉल्ड रियल ब्यूटी ऑफ लाइफ। यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा साइलेंस, और साइलेंस को मैं बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ, क्योंकि मुझे साइलेंस पसंद है। गाइस, अभी मैं आपको दिखाता हूँ केले का खेत। यहाँ पर केले के पेड़ लगे हुए हैं, एंड आई नो डैट कि बहुत से लोगों ने नहीं देखे होंगे कि कैसे होते हैं। आप देख सकते हैं, ये देखिए, मैं बैक कैमरे को ओपन करता हूँ, तब आपको दिखाता हूँ, तब आपको ज़्यादा अच्छा दिखेगा। गाइस, ये आप देख सकते हैं कि ऐसा होता है, केले के पेड़ यहाँ पर ऐसे लगे हुए होते हैं, ऐसे केले का खेत होता है, और इसी में केले आते हैं। गाइस, आप देख सकते हैं, ये है, दिस इज कॉल्ड ब्यूटी। गाइस, आई नो डैट कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर आपको सच में वीडियो पसंद आ रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन को जरूर दबाना गाइस। और गाइस, आप किस लोकेशन से ये वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। तो गाइस, अगर मैं इस जगह के बारे में बताऊं, अगर आप कायमगंज से हैं तो इस जगह पर आने के लिए आपको फूलमती मंदिर के जस्ट आगे आना पड़ेगा, और यहाँ पर आ सकते हैं टहलने के लिए। बहुत से लोग आते हैं टहलने यहाँ पर सुबह के टाइम पर, लेकिन अभी मेरा टाइम हो चुका है 6:30, और 6:30 है इसलिए यहाँ पर अभी कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है, इसीलिए मैंने ये टाइम चूज़ किया गाइस। क्योंकि यार यहाँ पर रहता है, अगर मैं ऐसे वीडियोज़ बनाऊँगा तो लोग मुझे ऐसे देखते हैं, भाई ये बंदा कर क्या रहा है यार, वाट ही इज़ डूइंग, और मैं थोड़ा डिस्टर्बेंस हो जाता है।
और लोग रुक रुक कर देखने लगते हैं भाई कि यार ये बंदा क्या कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कोई व्लॉग बनाता नहीं है। मैंने स्टार्ट कर दिया है बस, लेकिन जब मैं अपने गुड़गांव जाऊँगा ना तो वहाँ पर तो मैं इतने व्लॉग बनाने वाला हूँ, सीरियसली टेलिंग यू यार गाइज। गाइज मुझे ये ना बहुत ज़्यादा पसंद है वीडियो बनाना, एंड दिस इज द रीज़न आई एम मेकिंग वीडियोज। गाइज मैं जॉब भी कर रहा हूँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि यूट्यूब पर सक्सेस मिलती है कि नहीं मिलती है, लेकिन मैं वीडियोज पर भी बना लेता हूँ एज एन हॉबी, ठीक है कि सभी जुबान हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है हर चीज खास। तो गाइज आज की वीडियो को हम यहीं पर एंड करेंगे, लेकिन आपको एक छोटा सा गांव दिखा देते हैं। यहां तक आते हैं तो अभी आपको बिल्कुल गांव सा नहीं लग रहा होगा, यहां पर बस टहलने के लिए ही आते हैं लोग, लेकिन आगे जस्ट आगे जाएंगे तो आपके एक गांव दिखेगा और यहाँ पर गांव के लोग भी रहते हैं। मैं यहाँ पर बहुत टाइम बाद आ रहा हूँ, मैं आपको बैक कैमरे को ओपन करके दिखा देता हूँ, उसके बाद वीडियो को एंड भी करना है। गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं एक छोटा सा गांव स्टार्ट हो जाता है, मैं आगे नहीं जाऊँगा, यहीं से अब मैं रिटर्न करता हूँ, ठीक है गाइज, तो बने रहिएगा वीडियो में। तुम रह सके ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी है। गाइस काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा यहाँ पर आने के बाद, क्योंकि ये जो वर्ड्स की वॉइस है वो मेरे दिल को टच कर रही है आज, और आज से मैं डेली आऊँगा यहाँ पर मॉर्निंग वॉक के लिए। तो गाइस यहाँ की आपने नेचुरल वॉइस सुनी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसा लगा आपको, अगर आप दिल्ली या अदर सिटी से हैं जहाँ पर ऐसी वॉइस सुनने को नहीं मिलती है, तो आपको कहीं जाना चाहिए घूमने के लिए, ऐसी वॉइस सुननी चाहिए, क्योंकि ये नेचुरल वॉइस होती है और इसे सुनकर जो माइंड को साइलेंस मिलता है वो सबसे ज़्यादा अमेजिंग होता है। लाइक मी, आप मुझे देख सकते हो, मैं ज़्यादातर साइलेंस ही रहता हूँ और मैं ज़्यादा किसी से नहीं बोल रहा हूँ आजकल, क्योंकि यार मुझे मेरा गोल है जो वो दिख चुका है, एंड अनटिल अनलेस आई विल नॉट अचीव माई गोल टिल देन मैं अपना टाइम बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करने वाला, आई एम सीरियसली टेलिंग यू, दैट्स द रीज़न आई एम ऑलवेज साइलेंस। सो गाइज आज के इस व्लॉग को हम यहीं पर एंड करते हैं, आप देख सकते हैं कितना अच्छा और प्यारा व्यू है, और गांव को सभी लोग मिस करते हैं, मेरे घर से ये थोड़ी दूर है, मैं आ जाता हूँ यहाँ पर जिससे कि मुझे बहुत ही साइलेंस मिलता है। आज मैं बहुत जल्दी उठ गया था, दैट्स द रीज़न आई केम हेयर, और मुझे लगता है कि अब मैं डेली यहाँ पर आया करूँगा। सो गाइज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर आप कायमगंज से हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में एक बार लिख देना कायमगंज, जिससे कि मुझे पता चले कायमगंज के कितने लोग मुझे जानते हैं और मेरा वीडियोस देखते हैं। गाइज दिस इज़ द फर्स्ट टाइम फॉर मी कि आई एम मेकिंग दिस व्लॉग अलोन, एंड आई थिंक आगे भी आपको वीडियोस मिलते रहेंगे, पर मैं अपने दोस्तों के साथ ही बनाता हूँ ज़्यादातर, अब देखते हैं कि क्या होता है, क्योंकि आज के टाइम पर सभी लोग बिजी हैं और बिजी लोगों को मैं बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करता हूँ, नॉट एट ऑल, लेकिन मैंने डिसाइड किया कि अकेले मैं ब्लॉग बना सकता हूँ, तो मैं ट्राई कर रहा हूँ बनाने का, आई नो डैट कि मैं अच्छे ब्लॉग बनाऊँगा। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, आज की वीडियो में इतना ही, बाय बाय।